हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मस्त होंगे और बढ़िया होंगे हमारे यूट्यूब फैमिली। सो आज एक स्पेशल ब्लॉग आपके लिए लेके आया हूँ, एक बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग गणेश चतुर्थी का, जो कि गणेश जी का मूर्ति स्थापित हुआ है गोरखपुर पादरी बाज़ार में, वहाँ का एक छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग आपके लिए लेके आया हूँ। और बहुत ही ज़बरदस्त, जो कि आप लोग ने शुरू में देख ही लिया होगा हाईलाइट वीडियो हाईलाइट्स में, और बहुत ही प्यारा मूर्ति लगा है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार, जो कि आपका पूरा सीन, आपको आज का पूरा सीन दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं प्यारा सा ब्लॉग बिना टाइम वेस्ट किए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी कर लीजिए, नीचे लाल कलर का बटन है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं प्यारा सा ब्लॉग। सो है एवरीवन, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पंडाल के ठीक सामने, जो मेन गेट है। अभी पंडाल अंदर है, अभी ये मेन गेट है, आपको पूरा नज़ारा यहाँ का दिखाते हैं। और ये जो देख रहे हैं, ये जो रोड है पादरी बाज़ार रोड है, यही यहीं पे लगा हुआ है, और ये मेन रोड है पादरी बाज़ार का, और यहीं पे पंडाल लगा हुआ है। आप देख रहे हैं पूरा मार्केट में पंडाल लगा हुआ है, और काफ़ी ज़बरदस्त आगे का गेट भी है। और पंडाल देखने के बाद तो काफ़ी ज़बरदस्त, आपको जो देखे होंगे हाईलाइट में, और बहुत ही ज़बरदस्त आगे आपको दिखाऊंगा पूरा मस्त से पंडाल का पूरा नज़ारा। और ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये सामने से थोड़ा पास से है वही गेट का, और अभी हम लोग अंदर जाते हैं और देखिए पूरा बाहर से लेकर जो गेट है वहाँ से लेकर अंदर तक मस्त पूरा सीन सजाया गया है, पूरा मस्त सजाया गया है, जो कि पहले लोग रोलेक्स से सजाते थे, लेकिन अभी मस्त ये जो लाइट होता है उसको लगा के, और बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पे यार, क्या ज़बरदस्त। अरे भाई साहब, ये देखिए ये पूरा गेट है, हम लोग आपको दिखा दिया, और ये पूरा नज़ारा है वहाँ जो मंदिर है, मंदिर ने आगे पंडाल लगा है, और ये पूरा मार्केट है, मार्केट में पंडाल लगा हुआ है, और इधर साइड में एक मंदिर है जो कि आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ। ये मंदिर है, इसमें ये हनुमान जी शंकर भगवान काली जी की पूजा होता है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं यही पंडाल है जिसमें गणेश चतुर्थी मनाया जा रहा है, गणेश जी का मूर्ति को रखा गया है, और गणपति बप्पा को सबसे पहले पूजा किया जाता है। तो ये आप लोग देख रहे हैं, मतलब कोई भी भगवान की पूजा हो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। और ये मस्त पंडाल का सीन आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए कितना ज़बरदस्त पंडाल लगा हुआ है, और गणेश जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी है, काफ़ी बड़ा। आज मैं फर्स्ट टाइम गणेश चतुर्थी में कहीं भी गया हूँ, और ये फर्स्ट टाइम मैं गया हूँ, और ये काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहा है, और यार फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है, पहले नहीं गया था मैं। और काफ़ी मज़ेदार सीन है यहाँ का, और काफ़ी ज़बरदस्त प्यारा सा सीन है, आप लोग देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी लगी हुई है। अभी आरती का समय चल रहा है इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं, मस्त आरती होगी, उसके बाद सब कोई पूजा पाठ करने आ रहा है। अभी तो पूजा चल रहा है, उसके बाद पूजा के बाद आरती होगी, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, और काफ़ी प्यारा सा मूर्ति रखा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं ज़बरदस्त। और मैं पंडाल को आपको दिखा रहा हूँ, कितना प्यारा सजाया गया पंडाल ऊपर से लेकर नीचे तक, साइड साइड में गणपति बप्पा के फूल, वहाँ पर कलश स्थापन हुआ है, और यहाँ पे पंडित जी पूजा करा रहे हैं, कोई आंटी है वो पूजा पे बैठी हुई है, और मस्त यार क्या गजब, फर्स्ट टाइम है लेकिन बहुत ही प्यारा लगा, हम आज तक कहीं गणेश चतुर्थी में नहीं गए थे, फर्स्ट टाइम का सीन है, और काफ़ी मज़ा आया ये देख के। और ये देखिए गणेश जी का मूर्ति काफ़ी प्यारा लग रहा है, काफ़ी मस्त है, और गणपति बप्पा सबकी मनोकामना पूर्ति करते हैं, अगर आपकी भी कोई मनोकामना है तो गणेश जी से बोलिए, वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरा करेंगे, और कमेंट में जय श्री गणेश लिख दीजिए, और गणपति बप्पा मौर्या लिख दीजिए। और ये पूरा पंडाल के आगे का सीन है, मस्त लगाया गया है ये जो लाइट होता है वो, और पूरा बहुत सारे लोग हैं, और आगे मार्केट है, आप लोग देख रहे हैं आगे मार्केट है।
और मैं अभी आपको यार। साइड से पंडाल दिखाता हूँ, काफी प्यारा सा पंडाल लगा हुआ। और इसके साइड में आप लोग इधर देखिए सब्जी का मार्केट है, और इधर दाल चावल मिलता है पंडाल के आगे, ये सब जो कि दाल वाल ये सब मतलब मिलता है। मैं ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करता तो ज़्यादा नहीं जानता हूँ, बस आप लोग देख रहे हैं पूरा मार्केट में ही लगा हुआ है, मेन मार्केट में लगा हुआ है। और अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं, और काफ़ी पूजा पाठ हो गया, बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही मज़ा आया पूजा पाठ करने में। और पूजा पाठ किया, ब्लॉग बनाया आपके लिए, वीडियो बनाया, और वीडियो बनाने में बहुत ही मज़ा भी आया, और वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेटर हुआ है अभी तक मैं मतलब बेस्ट वीडियो बनाया, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया वीडियो बनाने में, और बहुत ही अच्छा लगा। एंड करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे, और ढेर सारा प्यार दीजिए वीडियो पे, अपने छोटे भाई को ढेर सारा प्यार दीजिए, जैसे कि पुराने वीडियो में अपना प्यार और स्नेह दे रहे हैं वैसे ही इस वीडियो में भी दीजिए। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बताइए, मेरे को तो बहुत ही ज़बरदस्त लगा, और बहुत ही प्यारा सा सजावट है, और काफ़ी मज़ा आया वीडियो बनाने में भी, और घूमने में भी, और आपको दिखाने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो वीडियो में अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, और कमेंट में करपट्टी पप्पा मोरिया लिखना ना भूलें, और लाइक करें वीडियो को, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करिए, और फिर आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉग लेके आएंगे जो कि बवाल करेगा यूट्यूब पर। और इतना प्यार दुलार देने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। तो एंड करते हैं इस ब्लॉग को, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।